तब हीरो आ गया। हीरो जा रहा है। ठीक है बाय। भाई इन तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। हे गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो अभी हम आ चुके हैं सुबह सुबह 5:30 में हम लोग झील और करेंगे थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, बोले तो रनिंग करेंगे, मॉर्निंग वॉक भी बोल सकते हो क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम है, बहुत दिनों के बाद फर्स्ट टाइम दौड़ने जा रहा हूँ, तो आधा दौड़ूंगा और आधा चलूँगा। और अभी इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे, एकदम ठंडी ठंडी लग रही है, वैसे वैसे वाली हवा नहीं चल रही है लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते भाई, लेकिन दौड़ने के बाद तो गर्मी आ जाती है, आप खुद देख लेना। अभी तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लिए थे, वार्म अप वगैरह, और अभी हम लोग यहाँ से दौड़ना चालू करेंगे, पूरा झील का एक राउंड लेंगे। तो झील बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा है, एकदम साफ सफाई हो गया है यहाँ पे। ये हमारा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, झील को स्वच्छ रखें, और यहाँ से अभी हम लोग दौड़ना चालू करेंगे, पूरा एक राउंड लेंगे। और साथ में हमारा सानू जी है, तब चलिए टांगर लगा लिए, वाह चलो। हमको बिलीव नहीं हो रहा कि हम एक राउंड मार लिए हैं, बट 2 महीने के बाद हमने चालू किया था दौड़ना, तो अभी अब दौड़ा हो तो अभी एक राउंड मारा, तो स्टेमिना उतना घटा नहीं है, ठीक ही है, लेकिन और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी हम लोग डेली आएंगे यहाँ पे दौड़ने के लिए, और ठंड का मौसम है तो और भी मज़ा आएगा, क्योंकि गर्मी में यार बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगता है, ठंड है उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं जैकेट वगैरह पहन करके। तो अभी हमारा बारी यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करने का, तो अभी हम करते हैं। और सानू अभी लगता है दूसरा राउंड करने गया है, क्योंकि वो बहुत दिन से दौड़ ही रहा था, हम ही छोड़ दिए थे, तो कुछ कारणों कारण छोड़ दिया था, और अभी हमारा एग्ज़ाम भी चल रहा ना, तो उससे थोड़ा सा दिक्कत है। वो देखो आ गया, 2 राउंड मार दिया नहीं, तो चलो अभी एक्सरसाइज कर लेते हैं। झील से निकल रहे थे और देखा ये नारियल के टाव फेंके हुए हैं, तो अभी हम ये कहना चाहते हैं कि झील में ऐसे मत फेंका कीजिए ऐसे, और कोई भी अगर तीसरा आदमी आ जाएगा तो उसे फुटबॉल समझ करके मार के सीधा झील में ही फेंक देगा। और ये देखो सामने में डस्टबिन आपका दिख रहा है, वहाँ जा करके डाल दें यार, कितने दूर पे है गाइस। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम हो गए नहा धोवा करके रेडी, और अभी हमें जाना है, एक स्कूल फ्रेंड है अंशु नाम है उसका, तो उससे मिलने जाना है, और उससे कुछ नया यूट्यूब चैनल के बारे में बात करना है, और वो भी हमारे साथ काम करना चाह रहा है, तो अभी हम चांस छोड़ना नहीं चाहते, हमें भी कुछ अलग करके दिखाना है, तो अभी हम लोग जाते हैं उससे मिलते हैं। तो अभी हमें उनसे मिलने के लिए जाना पड़ेगा हजारीबाग रेलवे स्टेशन के पास, तो उसका घर है उधर ही, तो उसने वहीं पे बुलाया है, और अभी हम अपना बाइक के साथ निकलेंगे अभी तुरंत, और जा करके मिलते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं अच्छा सा, और एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल खोलते हैं, और बाकी उसका लिंक वगैरह तो मैं आपको दे ही दूंगा। अभी मैं सन स्टेफन के पास से पार हुआ था, और यहाँ देखो फुटबॉल मैच चल रही है, तो बहुत ही मज़ा आएगा यार देखने में, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अभी देखने का, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, किधर जाना है। जब अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और हमारा दिन यहाँ क्रिकेट खेलने का चला गया। तब हीरो आ गया। नाइस टू मीट यू गाइस, यही है मेरा फ्रेंड अंशु। अच्छा 4 साल बाद मिल रहा है ना, ब्लॉगिंग ना, 4 साल बाद मिल रहा है ना। हाय हाय गाइस, आई एम प्रेमा आल्सो, माय नेम इज अंशु रवि फ्रॉम विवेकानंद, वी आर जस्ट अ फ्रेंड ऑफ Since 2000. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यहाँ पब्लिक लोग हिंदी समझता है, समझा? चल 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 ठीक है बाय।
गाइस, तो अभी हमने बहुत सारा डिस्कशन किया, कुल मिलाकर के 30 मिनट यार बैठ करके बात किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे मैं अपने ग्रुप में शामिल करना चाह रहा हूँ, और इससे यही सब बात बोला कि नया कंसेप्ट का काम करना है और न्यू चैनल खोलना है। तो कुछ तुम्हारा अगर विजुअल है या फिर आइडिया वगैरह कुछ भी है तो उसे आप बता सकते हो। तो मैंने यही सब बात किया, तो उसने बताया कि ठीक है ऐसा काम करेंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए, शाम हो चुकी है, 5 बज गए हैं, और तो अभी चलना चाहिए हमें। शॉर्ट्स का ज़माना है, तो शॉर्ट्स। एक मिनट में आपको इन्फॉर्मेशन वाली चैनल खोलूँगा, मैं बहुत जल्दी खोलूँगा, और उस पर भी काम चल रहा है मेरा। और तो इस साल के एंड होते होते वो चैनल में वीडियोस आना चालू हो जाएगा। चैनल का नाम है चुगलखोर, तो उसमें आपको एक मिनट की इन्फॉर्मेशन वीडियो, कुछ मीम्स वगैरह यही सब दिखेगा जो कि शॉर्ट्स में आएगा। उसमें फुल लेंथ वाली वीडियोस नहीं बनाऊंगा मैं, तो वो एक मेरा पर्सनल चैनल रहेगा, और एक ये व्लॉगिंग वाला चैनल है वो भी मेरा पर्सनल रहेगा। और बाकी दो चैनल में काम चल रहा है, एक कॉमेडी चैनल है वो अभिषेक भैया का है, तो उसमें भी काम चालू होगा, क्योंकि बहुत दिन से पेंटिंग ही छोड़ दिया था यार, 6 वीडियो डाले उसमें और छोड़ दिया, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, और ऐसा ऐसा था कि कभी मेरे पास टाइम रहता था तो उनके पास नहीं रहता था, और थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी भी हो गया था हमारे बीच में, तो इस कारण वो भी चैनल अभी बंद है, लेकिन अभी उसमें भी काम चालू होगा। और उसके साथ एक और चैनल हमने खोलने का कोशिश किया है, तो वो जो अंशु के साथ गया था, तो उसके कंसेप्ट और मेरे कंसेप्ट को मिला करके वो उस चैनल को खोलने का कोशिश करूँगा। कुछ खाने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले मैगी खाने का मन किया, तो अभी मैगी मंगवाते हैं भाई से। लो सतीश पैसा। तो अभी सतीश को हम पैसा दे रहे, देखिए किस तरह हम लिफाफे से निकाल रहे, पैसा चोरी कर रहे, ये लो। 2000 years later. Guys, तो अभी हमारा आ गया है 2 मिनट वाली मैगी, तो अभी हम लोग करते चलो किचन को गंदा और बनाते हैं इसे फटाक से 2 मिनट में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्याज वगैरह काटना पड़ेगा और टमाटर भी काटना पड़ेगा, और धनिया पत्ता की तो हालत कुछ ऐसी हो गई है, तो इसे अब हम नहीं यूज करेंगे। और मिर्चे तो बहुत बहुत मोटे मोटे वाले हैं, तो इसे भी डालेंगे और बनाते हैं हमारी मैगी और करते हैं शाम का नाश्ता, यानी कि स्नैक्स। गाइस देखो, अभी हमारी मैगी रेडी हो गई और अभी हम इसे खाएंगे, तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लग रही है यार। मुझे ग्रेवी वाली पसंद नहीं है, मुझे पूरा एकदम मसाले मसाले वाली मैगी पसंद है। तो ये रहा मैगी और ये रहा पेप्सी, अभी इसे खाएंगे और इसे पियेंगे। तो अभी हम इसे खाते खाते टीवी देखते हैं और करते हैं इस ब्लॉग को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।